संयुक्त किसान मोर्चा के चक्का जाम करने के ऐलान के बाद आज यूपी के सीतापुर के महमूदाबाद में भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष नंद किशोर की अगुवाई में करीब 4 सैकड़ा किसानों ने गांधीनगर से शहर के प्रमुख चौराहे तक पैदल मार्च किया। मार्च के दौरान किसान नेताओं ने जमकर नारे लगाए। वहीं महमूदाबाद शहर के प्रमुख चौराहे पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी सुरेश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रशासन ने किसानों के मार्च को लेकर तैयारियां भी कर ली थी। डेस्क रिपोर्ट, अवध न्यूज। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष नंद किशोर वर्मा सीतापुर से बोल रहा हूँ। देखिए 80% जनता किसान मोदी को वोट दिया था, किस विश्वास के साथ दिया था, उसका परिणाम हम भोग रहे हैं। अरे जिसे हीरा समझते थे दहेती आग वो निकला, यकीनन आस्ती का एक जहरी नाग वो निकला, जिसे दिल की खुशी समझा वही आफत कहर निकला, ये वह जबरदस्त चंदन के मेरे हक में जहर निकला। किसान यहाँ पर आया हुआ है, हमारा किसान दिल्ली बॉर्डर पर और सब कहीं दिल्ली पर पड़ा हुआ है, इसी के प्रदर्शन में आज चक्का जाम था, लेकिन चक्का जाम करने से हमें रोक दिया गया। आज ये मीटिंग है, ये लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र को लाना चाहता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जिसके खातिर ही प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, जिसके खातिर वीर शिवाजी ने तलवार उठाई थी, जिसके खातिर लड़ी अंत तक झांसी वाली रानी थी, हंसते हंसते तोपों के मुख पर चढ़ी गई जवानी थी, हम उस याद अदी का कत्ले हम नहीं होने देंगे, मिट जाएंगे किंतु वतन लीलाम नहीं होने देंगे। आपकी आवाज पर बैठक हुई है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं उसमें? आपकी आवाज पर अभी थोड़ी देर पहले बैठक हुई है, उसमें क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ बिंदुओं पे चर्चा हुई है? बिंदुओं की चर्चा कोई नहीं हुई है। हमारे किसान तब तक आंदोलित रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे। बिल वापस हो जाए हम वापस हो जाएंगे, हमारे दिल्ली से सब वापस हो जाएंगे। जब तक बिल नहीं वापस तब तक हम नहीं वापस।